मेरे फ्रेंड्स बेटा का एनिवर्सरी का ब्लॉग सेकंड शुरू हो रहा है और मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि एलवी साहब मेरे हाथ पे थोड़ी सी हिना लगाएं फोन से, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था जिंदगी में पहली दफा, तो ही इज रेडी। तो चले जी शुरुआत करते हैं। यह भी एक लव एक जेस्चर होता है कि जो है हस्बैंड वाइफ के हाथ पे मेहंदी लगाए, और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इट शोज हैप्पी मैरिड लाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। जरा से ऊपर उठाए ना कोन को, ऐसे ऐसे दोबारा इसको सर्कल को कंप्लीट कर। वाओ, अभी ये जरा जरा धीमा है ना, इसको पूरा कर दो, ऐसे ऊपर उठाओ के रखो, ऐसे ऐसे कंटिन्यूस। चले जी पास हो गए, आप ऐसे ऐसे ये देते, दबाना नहीं है ज्यादा, जरा सा दिखाओ। फ्रेंड्स बाकी मैं खुद ही पूरी कर रही हूँ, अलवी साहब ने इतनी मेहरबानी की थी कि जरा सी बना के चले गए थे। अब ये देखें मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट टास्क, यू कैन इजीली डू इट। ये देखें इक्वल, तो कोई डिज़ाइन मेरे सामने नहीं है, आपके अपने माइंड की इनोवेशन है कि आप क्या बना रहे हैं। ये देखिए बजाय आप कहीं जाएं पार्लर्स में पेट्रोल खर्च करें और अपना टाइम ज़ाया करें, और ऊपर से रमज़ान है, हमने रोज़ा खोल लिया है, और उसके बाद जो है ना अभी हम तैयार होकर फिर कुछ करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। माशाल्लाह से वी आर हैप्पीली मैरिड सिंस 1986, और अल्लाह ताला हमें सलामत रखे, एक साथ ये ज़िंदगी भर का सफ़र होता है फ्रेंड। अब यहाँ मैं इसकी फिलिंग कैसे करूँगी, ये देखिए मैं यहाँ पर फोर लीव्स बना रही हूँ, आई होप यू विल लाइक इट। यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगी कुछ, वाओ इट लुक्स लाइक आई एम अ मेहंदी आर्टिस्ट। नया आइडिया आ रहा है, अगर मैं अपनी एक बुक रखूं तो आई कैन स्टार्ट दिस वर्क, मुझे मोटिवेशन मिल रही है फ्रेंड्स। यानी घर में अपने कुलीग्स को तो लगा से ये देखे कितना फाइन आ रहा है और एक जैसा आ रहा है। यहाँ पे मैं आप क्या बनाऊँ, एक इधर बना लेते हैं ऐसे, ये बन जाएंगे मेरे हाथ की कॉर्नर्स की डाइमेंशंस। ठीक है जी, अब इस तरफ कुछ और कर लेंगे, यहाँ पे भी छोटे छोटे से लीव्स बना दें। ये अच्छी फ्रेश कॉर्न है, इसमें से अच्छी सी स्मेल आ रही है, बस केमिकल्स ना हो, मेक श्योर कि इसके अंदर केमिकल्स ना हो, वरना आपकी स्किन को वो हार्मफुल करते हैं, आपकी स्किन को ख़राब कर देंगे, एलर्जी कर देंगे। कोई भी चीज़ आजकल प्योर नहीं रही, हर चीज़ में मिलावट, फास्ट कलर के लिए पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं उसमें। ये देखिए चले जी, यहाँ पर जो है अब हम एक बड़ा सा यहाँ पर एक पत्ता बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेडिंग एनिवर्सरी 2023, गुड इवनिंग ऑल माय व्यूअर्स। मैं और हलवी साहब हम दोनों बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी दिखाई है इस साल के शुरू में। एक तो हम लोगों ने उमरा किया था, और नंबर टू हम बने हैं ग्रैंड पेरेंट्स, तो रियली वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इन अ वेरी इन अ ग्रेट स्पिरिट एंड वाइटैलिटी, और इसी को कहते हैं जिंदगी। अब देखिए आज हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कल का व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है। कल मेरी फ्रेंड्स थी, आज वो नहीं है, कल मैंने उनको पार्टी दी थी ग्रैंड पेरेंट्स होने की खुशी में, और आज हम दोनों अपना दिन मना रहे हैं। आज ही हमारी शादी हुई थी 86 में, और अल्लाह ताला हमें यूं ही जिंदगी के हर मोड़ पर इकट्ठा रखे, आमीन आमीन। तो चले आगे चल के देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। ब्यूटीफुल नाइट व्यू ऑन माय सोसाइटीज मेन बुलेवार्ड, वी आर एट कॉस्मेटिक स्टोर, और एलवी साहब मुझे करवा रहे हैं शॉपिंग। लिपस्टिक के 3 शेड्स मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, एक और आ रहा है, तीसरा भी लें जी, ये वाले 3 शेड्स हैं आज वो मुझे शॉपिंग करवा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, और इनका बिलिंग करके निकलते हैं। ये देखिए चूड़ियों का स्टॉल, ईद के लिए रंगारंग चूड़ियाँ फ्रेंड्स, कितनी प्यारी लग रही हैं। और अलवी साहब मेरे लिए लेने गए हैं गिफ्ट रैपर, जो कि वो होता है ना पेपर का बैग होता है जिसमें गिफ्ट देते हैं, तो मैं यहाँ पर
विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कौन सी चूड़ी मेरे सूट से मैच करेगी। बैंगल्स आई एम गोइंग टू बाय फ्रेंड्स, मेरे ड्रेस के साथ जा रहे हैं, दे दें भाई। या मैंने खरीद ली है मज़ेदार सी कलरफुल सी, अभी तक अलवी साहब का वेट कर रही हूँ। असल में जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है ना फ्रेंड, तो उनका मोरल थोड़ा सा डाउन है, तो इसीलिए मैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ दोबारा सिंधी की तरफ। स्टिल उनकी जो लेग है ना वो हीलिंग कर रही है, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, यहाँ पर उनके ज़बान पर एलर्जी हुई है तो वो हार्डली स्माइल कर रहे हैं। इट विल टेक अ फ्यू मोर डेज कि वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए। इसमें से ये देखें कैचर साइज में से दरमियाने साइज वाला मुझे दे दें। इसकी ग्रिप कैसी है? ये तो नॉर्मल होती है, ये है चार्ज वाला, इसकी तो अच्छी नहीं। आप सो क्यूट से फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू, हर चीज मेरे ड्रेस से मैच हो रही है, ये बहुत प्यारे टॉप। लाइट से सैंडविच या बर्गर्स कर लेते हैं हम, क्योंकि कल वाला जो लेविश मील खाया था फ्रेंड वो बच भी गया था और वो खाने का अलवी साहब का मूड भी नहीं है, हमने लाइट सा कुछ मंगवाया, देखते हैं। ज़्यादा भूख तो नहीं लगी? और आमने सामने बैठ गए हैं, ये तारे गार्डन का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है फ्रेंड्स, यहीं से हमने शॉपिंग की है और यहीं पर हम आ गए। एम्बियांस भी ठीक है, रमज़ान में लोग कम आते हैं मेरा ख्याल, बिजी होते हैं तरावीज वगैरह। आमने सामने बैठ गए हैं और आई थिंक 9:30 का टाइम हो रहा है और मज़ा आ रहा है घर से बाहर निकल के, लेकिन मौसम में थोड़ी सी गर्मी आ चुकी है। दही फुलकियाँ जो कि हमारा स्टार्टर है, साथ ही हमने लेमन मिंट लिया है, ज़बरदस्त ड्रिंक, और हम इसे इंजॉय कर रहे हैं जब तक हमारे गरम गरम बर्गर आ जाएंगे। अपना बर्गर ले लें, प्लेट इधर करें, ये टिश्यू पेपर निकालें ना। यमी पैटीज बर्गर, नहीं भले स्टार्टर, और आज हमने इतना ही खाना था, रमज़ान में इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता फ्रेंड्स, और कल भी होटलिंग और आज फिर रेस्टोरेंट, लेकिन आज तो हमारी सेलिब्रेशन है वेडिंग एनिवर्सरी, तो आज तो खाना ही है, बट लाइट सा चलें। आप बोले थोड़ी कोला ड्रिंक्स पीनी चाहिए क्योंकि हम अफ्तारी में भी मशरूब पीते हैं, तो बार बार शुगरी ड्रिंक्स पीना कोई अच्छी बात नहीं है, तो दैट्स वाई वी आर शेयरिंग दिस ड्रिंक, और एक अच्छा आइडिया। यमी बर्गर फ्रेंड, रियल चिकन बर्गर पैटीज है विथ परफेक्ट टेस्ट, और ये बर्गर मैं रिकमेंड कर रही हूँ मैकडोनल्ड, हार्डीज या किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से, फास्ट फूड वाले से, ये मच मिलियन टाइम बेटर है। और अलवी साहब बहुत शौक से खा रहे हैं, हमने साथ फ्रेंच फ्राइज़ नहीं मंगवाई, हमने दही भले मंगवा लिए थे क्योंकि ज़्यादा ऑयली फूड खाना अच्छा नहीं है। डिनर करने के बाद फारे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, इनका बर्गर लजीज तरीन बर्गर है पूरे लाहौर। इसके बाद वापस जा रहे हैं और जाके आपको एक और चीज़ लास्ट वाली दिखानी है, फिर ये ब्लॉग हो जाएगा। एलवी साहब दे रहे हैं मुझे गिफ्ट्स, मैं इनको खोलती हूँ कि क्या सरप्राइज है मेरे लिए फ्रेंड्स। वाओ, थैंक यू एलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और इसी मोहब्बतों से आप मुझे तोहफे देते रहे। चलिए फ्रेंड्स इनको खोल के देखते हैं आखिर इसमें है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाओ, दिस इज परफ्यूम ब्लॉसम्स का परफ्यूम है फ्रेंड्स, और आई थिंक ये जे डॉट का प्रोडक्ट है जी, ये जुनेद जमशेद का प्रोडक्ट है। और अलवी साहब को पता है कि मुझे परफ्यूम जो है ना हर वक्त फैसिनेट करते हैं, ऑल्टा इससे बेहतरीन तोहफा मुझे नहीं अच्छा लगता। ये देखें, ये रेशनल का 24 कैरेट गोल्ड है, मैंने इनसे एक दफ़ा जिक्र किया था कि मेरा ये ख़त्म हो रहा है, ये मेकअप से पहले कहीं पार्टी ड्रेसिंग से मेकअप जो स्पेशल होता है ना उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, ये लिया इन्होंने, थैंक यू। और ये चूड़ियाँ तो आज मैंने पसंद की थी तो उन्होंने मुझे दिलवा दी, मेरे ड्रेस से एग्जैक्ट मैच हो रही हैं। और ये रहे मेरे क्यूट से टॉप्स ज़बरदस्त से, और ये इन्होंने मुझे आज दिलवाया कैचर, जैसे वो बच्चों को दिलवाते हैं ना साले जाके कोरोना कहते हैं, तो ये थे जी हमारी एनिवर्सरी के मेरी गिफ्ट्स थे, थैंक यू। और मैंने उनको जो गिफ्ट दिया था वो पहले ही पहन लिया, उन्होंने वो ड्रेस था वो आपको दिखाया नहीं था, और ये आज उन्होंने मुझे कोन दी थी जिससे उन्होंने मेरे हाथ पे ये थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया था। तो ये सारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं फ्रेंड्स, और ज़िंदगी में और खुश रहने के छोटे छोटे बहाने होते हैं। ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो यहीं से मैं आपसे इजाज़त चाह रही हूँ, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।